फेसबुक लिख के आ जाता है प्रिपेयरिंग की जगह, ऐसे ही आप चालू करो। यस अजय नाउ जी स्टार्ट। कंटिन्यू, वी आर नाउ लाइव ऑन फेसबुक सर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम ऑल द, लेट्स स्टार्ट प्रेजेंटेशन। अवार्ड विनिंग कंपनी में आपका सभी स्वागत है। हम नेटवर्क मार्केटिंग, एक सर्विस सेक्टर में एक ऐसी कंपनी जो सर्विस सेक्टर लेके मार्केट में आई है, इसके बारे में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूँ क्या है। पहले आपसे निवेदन है, आप अपने मोबाइल को इस अवस्था में रखें ताकि आप प्रेजेंटेशन पूरी देख पाए, पूरी इंफॉर्मेशन ले पाए आप। यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है 11 सवाल पर जवाब आपका होगा। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा, जवाब आपका होगा, आपको खुद अपने आप से देना है, मुझे नहीं देना है, आपको अपने आप से देना है। पहला सवाल मैं आपका रख रहा हूं, क्या आप अपनी वर्तमान जॉब से खुश हैं? ये आपका मेरा सवाल है और आप अपने आप से क्वेश्चन आंसर दे उसका। दूसरा, क्या आप शानदार इनकम कर रहे हैं इस समय अपनी जॉब से? ये दूसरा सवाल है। क्या आपकी जॉब से लगातार ग्रोथ हो रही है? चौथा, क्या आपके पास अपनी लाइफ को जीने के लिए पर्याप्त समय है? पांचवा, क्या आपकी जॉब अगले साल भी प्रॉपर इनकम दे रही होगी? छठा सवाल मेरा है, क्या आपकी इनकम हर साल बढ़ रही होगी? क्या आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं इस समय? आठवां सवाल है मेरा, क्या आपकी जॉब सैलरी से ज्यादा पेंशन दे सकेगी? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप अपने परिवार के सपने पूरे कर पा रहे हैं इस समय? और मेरा लास्ट सवाल है, क्या सवाल आपके परिवार के सपने का हो तो क्या आप एक मौका अपने आप को देना चाहेंगे? तो ये सवाल है, जवाब आपको देना अपने आप से। आगे की प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करता हूं, शायद लोगों ने जवाब दिया होगा। साइंस और इकोनॉमी का एक सर्वे कहता है महंगाई को लेके, मैंने एक सर्वे बनाया, थोड़ा पुराने जमाने पे चलते हैं कि पहले क्या हम किस तरह की अर्निंग करते थे और किस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल था, हम थोड़ा इस पे बात करते। थोड़ा ये एयर है, बेसिक इनकम है और लग्जरी लाइफ है। 1940 की हम बात करें, उस समय अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए कमा रहा था तो वो अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा था, और जो 100 रुपए अर्निंग कर रहा था वो लाइफ को एंजॉय कर रहा था। 20 साल पे आप बात चलते हैं, 1960 में चलते हैं, जो 100 रुपए की अर्निंग कर रहा था वो लाइफ चला रहा था अपने घर के खर्चों को लेके, और जो उस समय 1000 रुपए की अर्निंग कर रहा था वो लाइफ जी रहा था, लग्जरी लाइफ जी रहा था। 1980 में क्या हुआ, जो लोग 1000 रुपए की अर्निंग कर रहे थे वो सिर्फ अपने बजट को मैनेज कर रहे थे, लेकिन जो 10,000 रुपए की अर्निंग कर रहे थे वो उस समय लग्जरी लाइफ को जी रहे थे। आगे की मैं बात करता हूँ, 2000 में जो लोग 10,000 रुपए की अर्निंग कर रहे वो अपनी बेसिक आय को, अपने बेसिक खर्चों को मेंटेन कर रहे थे, लेकिन जो 1,00,000 रुपए अर्न कर रहा है समय वो अपनी लाइफ को, लग्जरी लाइफ को जी रहा है। और 2020 तक दोस्तों अगर हम 1,00,000 रुपए भी कमा रहे होंगे ना, तो अपने से बेसिक खर्चों को ही मेंटेन कर रहे होंगे, और जो उनसे ज्यादा 5 से 10 लाख की अर्निंग कर रहा होगा वो अपनी लाइफ को जी रहा होगा उस समय। तो हमें ये सोचना है अपनी लाइफ को देखते हुए, जो भी महंगाई को लेकर, क्योंकि महंगाई कभी रुकने वाली नहीं है, हमें अपने आप को मेंटेन करना, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है। महंगाई कभी, आप रोते रहिए कि सर पेट्रोल बढ़ रहा है, ये सब होता रहेगा, अपनी इनकम कैसे इंक्रीज की जाए इस पे हमें चर्चा करनी, इस पे हमें फोकस करना है। चलिए सर, ये आपकी स्क्रीन पे कुछ शो कर रहा है, आय और आवश्यकता। हमारी आवश्यकताएं डिपेंड करती है आय पे, ठीक है जी। पहले हम आय की बात करते हैं, आय किस पे डिपेंड है, एक फॉर्मूला है आय का, समय इनटू दर। मान लीजिए मुझे अगर 1,000 रुपए की अर्निंग करनी है तो मुझे उसके लिए आज के डेट में समय देना पड़ता है 10 घंटे, लेकिन दर मार्केट में है 100 रुपए पर घंटे ही मुझे पैसा मिलेगा। अगर मुझे 2,000 रुपए की अर्निंग करनी है, आप उसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो मार्केट में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे दर नहीं बढ़ेगी सर, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है कि हम अपना समय ही बढ़ाएंगे, हमें दर नहीं बढ़ सकती, हमें 100 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगी हमें आपको। अगर हम 5,000 रुपए की अर्निंग करना चाह रहे हैं तो समय हमारे पास बचता ही नहीं है, तो हम क्या आगे अर्निंग कर पाएंगे। अब आवश्यकताएं हमारी क्या है इस पर थोड़ा कैलकुलेशन बात करते हैं। हमारी आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, लेकिन शायद आज इसका कैलकुलेशन उल्टा हो चुका है। नंबर 1 पे शिक्षा है, क्योंकि आज हमें शिक्षा की ज्यादा जरूरत है, हम खाते कम है, मकान को हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले शिक्षा का हम प्रोग्राम करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा एजुकेशन दे और बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाए। सेकेंड मकान, तब देखते हैं, फिर कपड़ा, फिर रोटी। तो ये उल्टा चलन हो गया, पहले कुछ और था अब कुछ और है।
और जब हमारी आय से अधिक हमारी आवश्यकताएं हो जाती है तो हमारे सपने हो जाते हैं, और फिर हम उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जीवन अकेले भागते रहते हैं, और जब सपने पूरे होते नहीं दिखते हैं तो वो अब सपने हमसे हम उनसे समझौता करने लगते हैं। ये कैलकुलेशन है। हम लोग 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, मोस्ट वेलकम टू 21st सेंचुरी। काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। पहले काम करने में और आप काम करने में क्या अंतर है इसको समझिए। पहले हम काम करते थे फिर हमें पैसा आता था, लेकिन अब का क्या चलन है, हम काम करते हैं अब नेटवर्क बनाते हैं और पैसा आता है। डिफरेंट ये है कि आप काम बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काम बंद करेंगे तो नेटवर्क आपका काम कर रहा होगा और आपको पैसा आ रहा होगा दोस्तों। तो ये बदलाव है आने के टाइम पे जो बदल रहा है धीरे धीरे, हमें भी समय अनुसार ये चीज को बदलना बहुत जरूरी है और नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है इस समय। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, क्या आप भी ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे जिसमें आपके पास समय हो, पैसा हो और सुरक्षा हो, इसका कैलकुलेशन पे मैं बात करता हूँ। टाइम फुल टाइम हर बंदा चाहता है कि मेरे पास पूरा टाइम हो एंजॉय करने के लिए। मनी हर बंदा चाहता है कि मेरे पास फुल मनी हो। सिक्योरिटी आज के डेट में हर बंदा चाहता है कि मेरे पास तीनों चीज हो। चलो सर इस पे बात करते हैं कि हम बिजनेस क्या करना चाह रहे हो, क्या चीज आपको मिलनी चाहिए। टाइम मनी सिक्योरिटी, हम इसी के लिए मार्केट में काम कर रहे हैं, इसी के लिए जीवन हमारा चल रहा है। मान लो सर आपको मैं टाइम देता हूं, ठीक है, आपके पास टाइम पूरा है लेकिन आपके पास मनी नहीं है और ना आपके पास सिक्योरिटी है, क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई हाँ बोलेगा, ना नहीं काम करना चाहेगा। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास मनी है लेकिन आपके पास सिक्योरिटी भी नहीं है, तो टाइम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, मनी है, तो क्या आप ऐसी भी जॉब करना चाहोगे? मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा हाँ, ना सर ना नहीं करना चाहूंगा। क्या कोई ऐसी जॉब करना चाहेगा जिसमें ना टाइम हो, ना मनी हो और ना पैसा सिक्योरिटी हो? कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन सर अगर मैं बोलूं जिसमें टाइम हो, मनी हो और सिक्योरिटी हो, तो शायद सब लोग करना चाहेंगे और हम सब काम उसके लिए कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें हमें ये तीनों चीजें मिलती हैं, मेहनत के ऊपर हम तीनों चीजों को पा सकते हैं। एक स्लोगन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा, अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन गरीब बनने के कोई रास्ते नहीं है, लेकिन ये उल्टा हो चुका। आज गरीब के अमीर बनने के लिए एक ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। लाइफ क्या कहती है, आप जिंदगी काटना या जीना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं, एक स्लोगन है लाइफ का, आपका डिसीजन, आप क्या चाहते हैं, आप लाइफ काटना जीना चाह रहे हैं, अमीर बनना चाह रहे हैं आप? सर लाइफ दुनिया में चार तरीके के लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, जो चार तरीके से ही पैसा कमाया जा सकता है, वो स्क्रीन में आपके सामने शो कर रहा हूं। 4 types of people आपको मार्केट में मिलेंगे। पहला ई से एम्प्लॉई। एम्प्लॉय क्या करता है, आज की डेट में 95% पॉपुलेशन जॉब के लिए भाग रही है, अपना खुद का बिजनेस करती है, लेकिन एक सर कैलकुलेशन के बाद इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। वेल्थ कितनी है, सिर्फ 5%। क्यों? क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है, क्योंकि हम फॉर्मूले पे काम करते हैं, टाइम इनटू मनी, इतने टाइम पे हमें जाना है, इतने टाइम पे काम करना है। जिस दिन हमने टाइम पे काम करना बंद करा, इनकम हमारी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हम टाइम इनटू मनी इनटू टाइम के फॉर्मूले पे काम करते हैं। एस सेल्फ एम्प्लॉय, आप किसी अपना सेल्फ बिजनेस समझ सकते हैं, या कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हो। डॉक्टर का एग्जांपल मैं देता हूं, अगर वो अपनी क्लिनिक 10 दिन ना खोले, क्या उसको इनकम आएगी? नहीं इनकम आएगी। क्यों? क्योंकि वो भी काम करता है टाइम इनटू मनी के फॉर्मूले पे काम करता है। टाइम देगा तो पैसा आएगा, टाइम नहीं देगा तो पैसा नहीं आएगा। और 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में बिलोंग करती है और वेल एजुकेटेड होती है। अगर मैं दूसरी कैटेगरी की मैं बात करूं, बी बिजनेस ओनर, आज की डेट में बहुत से लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक एम्पायर खड़ा करके, जैसे आप रिलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा एम्पायर है। इसमें इनके पास 95% वेल्थ है, पैसा है। क्यों? क्योंकि इनके पास लोग काम करते हैं, ये काम नहीं करते, ये कहीं पे भी इंजॉय कर रहे हैं, इनके लिए लोग काम कर रहे हैं, इनको पैसा आ रहा है। दूसरा आई से इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता, पैसा इन्वेस्ट करता है हर तरह हर जगह पे, चाहे वो प्लॉटिंग हो, चाहे कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं होती है। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, इस कैटेगरी में हमारा 95% पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड, लेकिन फिर भी उसके पास 5% वेल्थ है, और दुनिया के 5% लोग ऐसे जिनके पास 95% वेल्थ है। क्यों? उसका मैं रीजन बताता हूं।
आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर हम इंप्लॉय या सेल्फ इंप्लॉय काम करते हैं, हम इंडिविजुअल इफर्ट करते हैं वहां पे, और हमारी जो इनकम होती है वो लिमिट होती है उसमें, और एक्टिव इनकम का मतलब कि हम जिस तब तक काम करेंगे तब तक हमें इनकम आएगी, हम काम स्टॉप कर देंगे, हमें जो भी समय जॉब कर रहे होंगे वो अवेयर है कि वो 10 दिन जॉब पे मत जाएं, क्या उनको इनकम आएगी? नहीं आएगी सर, कट के ही इनकम आएगी, पैसा नहीं आना है। लेकिन अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं, बिजनेस इन्वेस्टर की मैं बात करूं, यहाँ पे एक टीम वर्क काम करती है सर, एक टीम वर्क काम करती है। आप कहीं पे भी बिजी रहिए, टीम वर्क अगर आपका काम कर रहा है तो आपको पैसिव इनकम सर आपको आती रहेगी। सर जीवन यापन के लिए हमें क्या क्या करते हैं, जैसे भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया आपको, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या सर आपको लगता है कि हर बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है? एक कैलकुलेशन है, आप उसको समझिए। टॉप, मैंने कैलकुलेशन निकाला कि टॉप 100 ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 10,00,000 तक होगी सर, गवर्नमेंट इंप्लॉयज होंगे, और उनको भी टाइम देना पड़ता है, 8 से 10 घंटे पर आवर से उनको देना पड़ता है। अगर मैं प्राइवेट जॉब करूं तो प्राइवेट जॉब में सैलरी होती है 5,000 से 1,00,000 के आसपास होती है, और टाइम भी हमें वहां पे 8 से 15 घंटे देने पड़ते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं है, और हमारा जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है एम्प्लॉय, मतलब नौकर का होता है वहां पे। बिजनेस की बात करूं सर, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे 1 crore इन्वेस्ट करना पड़े तब मैं जाके 1,00,000 रुपए अर्न कर सकता हूं, वो भी हाई रिस्क। इतना कंपटीशन है मार्केट में कि आज की डेट में आपको खुद मालूम कि हम क्या बिजनेस करें, किसमें पैसा लगाएं। लेकिन एक फील्ड है हम सबके लिए, नेटवर्क बिल्ड। अगर हम नेटवर्क बिल्ड करें, इसमें हमें करना ही क्या है, इसमें सिर्फ हमें उसकी मास्टरी लेनी होती है। तमाम इन्फॉर्मेशन बुक्स हैं आपके यूट्यूब पे, सारी इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बिल्ड किया जाए। अगर हम सीखे, सिर्फ हमें उस पर महारत हासिल करनी है, और हासिल करने पर लो इन्वेस्टर हाई करने आते, सिर्फ हमें यहाँ पे लोगों को समझाना होता है। अगर हम इस पर मास्टरी हासिल करें तो हम अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आप कंटिन्यू करें सर, आवाज आ रही है। ओके 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 जी, यहाँ पे आपको 1 से 5 लाख मंथ इनकम कर सकते हैं। नो एजुकेशन सर, यहाँ पे कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो डिग्री को डिग्री की रिक्वायरमेंट, कोई कास्ट की सर्टिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, क्या फला कास्ट के आपको नहीं है। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए अगर आपको महारत है, उनका व्यू चेंज करने की महारत आ गई है, तो आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हैं विदाउट एजुकेशन, इसमें पैसा कमा सकते हैं, नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं आप। नेटवर्क बिल्ड, मैं नेटवर्क बिल्डिंग की आपसे बात कर रहा हूँ, आखिर कौन नेटवर्क बिल्ड नहीं करता आज की डेट में? आपके स्क्रीन के सामने कुछ पिक्चर शो कर रही है, आप इन्हें भली भांति जानते हैं, धीरूभाई अंबानी आज इनका खुद का एम्पायर है, नेटवर्क है, पैसा कमा रहे हैं। इनकी मैं बात करूं, बाबा रामदेव, इन्होंने पहले क्या सिखाया, योग सिखाया लोगों को, नेटवर्क बनाया, उसके बाद उन्हीं से आज नेटवर्क ग्रुप बनाया, अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, ऑलरेडी बिक रहा करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। सर आपके सामने एग्जांपल है, नेटवर्क बनाया फिर पैसा कमा रहे हैं। हम नेटवर्क बनाने से पहले पैसा कमाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। दूसरा जोमेटो आपके सामने एग्जाम्पल है, आज पैसा कमा रहे हैं, नेटवर्क बना के पैसा कमा रहे, जाता कुछ भी नहीं है, बना खाना बना कोई और है, पका कोई और है, बेच कोई और है, कमा कोई और है, एग्जाम्पल है सर, इसको देखिए आप लोग। दूसरी स्लाइड पे आपके सामने यहाँ पे है, मैं आपको जो भी पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हर व्यक्ति ने अपना एक नेटवर्क बिल्ड करा है, और आज ओला ले लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट ले लीजिए, चाहे अमेजोन ले लीजिए, यहाँ तक कि एक आतंकवाद अपना खुद का नेटवर्क बनाता है दोस्तों, दुनिया को बिगाड़ने के लिए। हम तो एक अच्छाई के लिए नेटवर्क बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग को भागना पड़ता है, समझाने में हम लोग को सब नहीं समझाते हैं। भगवान ने इन सबको 24 घंटे ही दिए और हमें भी 24 घंटे ही दिए, तो सर 24 घंटे किसके पास टाइम नहीं है, किसके पास नहीं है, ऑलरेडी सब अवेयर है कि हमारे पास टाइम नहीं, बोलते ये टाइम सबके पास होता है, लेकिन हमसे भाग रहे होते अपने आप से। एक सामने आपकी स्क्रीन शो कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है सर? ट्रेडिशनल मार्केट में ऑलरेडी हम उस चीज को अवेयर है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट से बन के आता है, मैन्युफैक्चर, एडवर्टीजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर के पास आता है, 10 रुपए की चीज पहुंचती है 100 रुपए में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट माल आता है कस्टमर के पास, ये दोनों बिल्ड होते हैं, एक दोनों आपस में बिजनेस करते हैं। और जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात बता रहा हूँ सर, ये कोई नई चीज नहीं है सर, 1959 से चल रहा है अमेरिका से, प्रेजेंटली वर्किंग, आपके सामने स्क्रीन शो कर रहा है, 190 कंट्री में वर्ल्ड वाइड चल रहा है ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, और अब तक वर्ल्ड मार्केट वर्थ मैं बताऊं तो 13,000 करोड़ की पूरी पब्लिक है आपकी वर्थ है, और 12 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएटेड डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और उसमें से 74 फीमेल्स हैं सर। मेजर मार्केट की मैं अगर यूएसए की बात करूं तो उसे 18% कैप्चर कर रखा है, चाइना ने भी 18%, कोरिया ने 9%, जर्मनी ने 9%। प्रेजेंटली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं मार्केट की बात करूं तो 10,591 करोड़ अराउंड है, और 51 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्किंग है, जिसमें से आपका इंडिया में
और FCCI के अनुसार, फिक्की के अनुसार जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2025 आते आते ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी दोस्तों। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय, अगर हमने काम करा, नेटवर्क बिल्ड करा, 2025 आते थे हम एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अभी है 1.8 करोड़ पीपल्स विल बी द एसोसिएट बिजनेस में, और उसमें 60% महिलाएं, ऐसा मत सोचिए कि महिलाएं नहीं है इस इंडस्ट्री में, बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस की बात करें, सितंबर 2016 में इसको लागू किया गया था, क्योंकि बहुत से फ्रॉड हो चुके थे तो उसको रूल्स लागू किया गया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, 376 कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और मोस्टली सब प्रोडक्ट बेस पे अपडेटेड है दोस्तों। और मैं जिस कंपनी के बारे में भी आपको बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, नेक्सन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, 263 नंबर पे आती है और इंडिया की सर ये पहली कंपनी है जो सर्विस सेक्टर को लेके मार्केट में उतरी है। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, सर्विस सेक्टर कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, नेटवर्क बिल्ड करना है हमें, और नेटवर्क बिल्ड करने से कस्टमर ऑलरेडी मार्केट में है, सिर्फ मूव करना है दोस्त, मूव कर लेंगे बहुत पैसा आएगा यहाँ पे। चलिए सर, मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा उसकी प्रोफाइल की बात करता हूँ। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसे राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड मिल चुका है 2019, और हमारे जो CMD इस कंपनी के अभिषेक कुमार बर्मन जी हैं, और ये सर्विस सेक्टर से सर्विस को बिलोंग कर रहे हैं। ये एक रिवॉर्ड सील्ड है, द बेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर 15 मार्च 2019 को कंपनी को अवार्ड भी मिल चुका है, द बेस्ट मोबाइल सर्विस। ये फिर आपकी अभिषेक कुमार बर्मन जी बैंकॉक कंट्री के लिए कुछ प्रोजेक्ट किए थे उसके लिए उनको नवाजा गया था, और आप अगर चेक करना चाहो तो गूगल पे जाइए, यंगेस्ट CMD ऑफ इंडिया लिखिए, वहां पे लिख के आ जाएगा अभिषेक कुमार बर्मन जी। तो जिस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि क्या प्रोफाइल है, दुबई कंट्री से भी हमें अवार्ड मिल चुका है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। इनका नाम है शबनम प्रवीण जी, कंपनी की MD है, इन्हें भी एक्सलेंस लेडीज अवार्ड मिल चुका है, यहाँ पे शो कर बेस्ट एंड्रॉइड एप डेवलपमेंट कंपनी अवार्ड पुणे इनको मिल चुका है। राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड मिल चुका 2013 में, यहीं से शुरुआत हुई थी कंपनी की, अभिषेक बर्मन को लोगों ने पहचाना, यहां से इनकी शुरुआत हुई है। और ये ऑलरेडी हमारी कंपनी IT फील्ड में सर काम कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, ऐप डेवलप करती है, इस फील्ड में मार्केट में काम कर रही है हमारी कंपनी। ये सर्टिफिकेट है आपके सामने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। अवार्ड और रिकॉग्निशन मैंने आपको बताया कि Amazon ने एक प्रोग्राम हेल्ड किया था बैंगलोर में, उसमें हमारी कंपनी शॉर्ट लिस्टेड की गई थी। बैंकॉक के बारे में मैंने आपको भी इन्फॉर्मेशन दी है, दुबई में भी हमें मैंने आपको बताया कि अवार्ड मिल चुका है, कर्नाटका गवर्नमेंट से हमें एक सपोर्ट मिला था स्टार्टअप करने के लिए, वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और बिहार गवर्नमेंट्स के लिए भी हमें नॉमिनेट किया गया था एक स्टार्टअप के लिए। ये NBFC 100 इसके थ्रू जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सबमिट है उसमें हमारी कंपनी को नॉमिनेट किया था और अवार्ड से दिया गया था, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अब नेक्स्ट मनी है क्या सर? अब नेक्स्ट मनी को एक एप्लीकेशन है, इसके बारे में आपको और थोड़ा सही से बताऊंगा। नेक्स्ट मनी का एप्लीकेशन जिससे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस तरह से आपके मोबाइल में तमाम एप्लीकेशन है, ये कैसे काम करेगा, इससे कैसे अर्निंग होगी, मैं सारी चीज इस पर बात करूंगा आपसे भी। अभी आप जैसे मैं सोच आप हमारी सारी मीटिंग ऑफिस में ऑल ओवर इंडिया में सारे लोग देख रहे हैं, हम एक वेबिनार से कनेक्ट करते हैं लोगों को, अपनी प्रेजेंटेशन बताते हैं लोगों को, जो आप भी कर सकते हैं अपने ग्रुप को ग्रो करने के लिए, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, टाइम नहीं है लोगों के पास, नो टेंशन सर, कनेक्ट करिए, टाइम पे प्लान बताइए। एक दिल्ली में सेमिनार हुआ था उसका यहाँ पे आपके सामने पी अभिषेक बर्मन कुमार जी का। नेक्स्ट मनी इनोवेटिव वे ऑफ अर्निंग, नेक्स्ट मनी क्या है? एक ऐसी अर्निंग है, इनोवेटिव वे है, हम यहाँ से एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। क्या करना है हमें, चलिए इस पर सर चर्चा करते हैं। एक कंप्लीट बिजनेस एप्लीकेशन, नेक्सन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है, 2013 से स्टार्ट हुई थी, और नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन 2017 में स्टार्ट हुआ है। ई वॉलेट प्लस ई कॉमर्स प्लस अर्निंग, आज हमारे मोबाइल में अगर हमें ट्रांजेक्शन करना हो तो गूगल पे है, आपका फोन पे है, तमाम एप्लीकेशन है जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक टू बैंक, ट्रांजेक्शन मनी का करते हैं। ई कॉमर्स अगर हमें कुछ खरीदारी करनी हो तो हमारे पास Amazon है, Flipkart है, मंत्रा, तमाम एप्लीकेशन है। प्लस ये लोग अर्निंग हमें नहीं देते हैं सर, आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, हमारे पास ऑलरेडी ये दोनों एप्लीकेशन हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन इनसे कभी हमें अर्निंग नहीं होती है। लेकिन नेक्स्ट मनी तीनों का कॉम्बिनेशन है, ई वॉलेट प्लस ई कॉमर्स प्लस अर्निंग, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। नेक्स्ट मनी मेक अस ओनली, हम यहाँ पे सिर्फ कस्टमर होते हैं, जितनी भी हमारे पास मोबाइल पे एप्लीकेशन हम उसमें सिर्फ कस्टमर हैं, कस्टमर बन के ही रहेंगे, क्योंकि वो कंपनियां B2C मॉडल पे काम करती हैं, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर।
और कंज्यूमर बनाने के लिए सारी कंपनियां ऑफर देती हैं, कैशबैक देती हैं और रिफर इनकम देती हैं, हम तमाम लोगों को यहाँ पे ऐड करते, लेकिन उनके ट्रांजेक्शन करने में हमें कोई भी इनकम नहीं आती। लेकिन नेक्स्ट मनी बी टू बी मॉडल को लेकर मार्केट में आई है, बिजनेस टू बिजनेस, जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा अर्निंग करने की। जो चीज ऑलरेडी हम पहले कर रहे हैं, हमें कोई नई चीज नहीं करनी, सिर्फ नेटवर्क को बिल्ड यहाँ पे करना है दोस्तों। गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट, मैंने ऑलरेडी आपको अवेयर किया था कि 263 नंबर पे कंपनी का नाम है नेक्सजन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। भारत सरकार की गाइडलाइन पे हम काम कर रहे हैं और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो सर्विस सेक्टर को लेके अपडेट हुई है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए कोई भी कंपटीटर नहीं है क्योंकि सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम उनसे भी यहाँ पे उनको अपने में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत चॉइस है यहाँ पे इसमें काम करने की। ये ट्रेडमार्क है हमारा जीएसटी का, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन है, पैन कार्ड है, एमएसएमई का हमारे पास सर्टिफिकेशन है सर। वन स्टॉप सोल्यूशन टू मैक्सिमम डे टू डे नीड्स। नेक्स्ट मनी जो ऐप है वो तीन तरह से आप अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉपिंग पोर्टल है हमारे पास, नेक्स्ट मनी मर्चेंट है और नेक्स्ट शॉपी है सर, तीन पोर्टल जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। तीनों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। विजन क्या है इस कंपनी का सर, विजन क्या है, जिस तरह से भी आपके मोबाइल में पेटीएम है जैसे आप यूज करते हो, ओपन वॉलेट बैंक, ओपन वॉलेट बैंक हमारा भी आने वाले टाइम पे हम नंबर वन इस पे भी आने वाले हैं और हमें आरबीआई से इसका गाइडलाइन, हमें लाइसेंस भी मिल जाएगा। अभी 75 सीआर का टर्नओवर हो चुका है, 25 शेष है, वो आने वाले टाइम पे जैसे ही कंप्लीट होगा हम आरबीआई से लाइसेंस हमें मिल जाएगा, हम भी ओपन वॉलेट बैंक में आएंगे। यहाँ पे जितने लोग भी ऑलरेडी ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तब आपको फायदा होगा दोस्तों, तब नेटवर्क बनाएंगे, कोई फायदा नहीं है अभी नेटवर्क बनाना है। जब ये सर्विसेज को यूज लोग करेंगे आपके नेटवर्क बिल्ड करने में तब आपको पैसा आएगा। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, यहाँ पे हमें यहाँ जॉब नहीं ढूंढनी, हमें जॉब देनी, हम यहाँ पे जॉब क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन इंडिया में नंबर वन की फाइट फील्ड में, हम ई कॉमर्स सेक्टर में हम नंबर वन की फील्ड फाइट कर रहे हैं और बी टू बी प्लेटफॉर्म को लेकर भी मार्केट में यहाँ पे उतरे। हम मेक इन इंडिया के तहत काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया के तहत हम काम कर रहे हैं और स्टार्टअप इंडिया के तहत हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं सर। मिशन क्या है कंपनी का, डिजिटल इंडिया, हेल्दी इंडिया, वेल्थ इंडिया। हेल्दी इंडिया की मैं बात करूं तो कंपनी के कुछ हेल्थ प्रोडक्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे धीरे धीरे सारी चीजें, और वेल्दी इंडिया सर पैसा कमाएंगे तो आप वेल्थ ऑलरेडी आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट मनी यूनिक पॉइंट्स क्या है सर, यूनिक पॉइंट यहाँ पे ये है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, सर्विस सेक्टर को लेके आए सर, सर्विस एक यूनिक पॉइंट यहाँ पे, सर्विस सेक्टर पे हम यहाँ पे उतरे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। ई वॉलेट, ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग, तीनों का कॉम्बिनेशन है आपका नेक्स्ट मनी। एक्सेप्टेंस की मैंने आपसे बात करी कि ऑलरेडी सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मार्केट में काम कर रही है और हमारा प्रोजेक्ट, हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है, तो हम सबको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और हमारे पास आने की संभावना है बहुत है लोगों की। नो प्रोडक्ट बाइंग कंपलसरी स्टार्ट टू बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टेंट पेमेंट इन बैंक, और सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है कि हम किसी भी कंपनी में जब काम करते हैं ना तो मेन काम करते हैं सर मनी के लिए काम करते हैं, और अगर टाइम पे पैसा ना आए तो शायद हम काम उतनी फोकस नहीं करते हैं। लेकिन इस कंपनी में क्या है कि आज हमारा जैसे मजदूर की बात करें उसको सेम डे मजदूरी मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है, नेक्स्ट डे अच्छी तरीके से काम करता है। सेम यहाँ पे हम जितना भी यहाँ पे हम काम करेंगे, जितना भी अर्निंग करेंगे, हमें सेम डे यहाँ पे हमें पे आउट मिलता है, तो ये सबसे बड़ा गुड पॉइंट है इस कंपनी का। हाउ टू स्टार्ट सर, स्टार्ट कैसे करना, मैंने आपको बताया था कि आप ऐप में जाएं प्ले स्टोर में, वहां पे नेक्स्ट मनी टाइप करें और उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। करना है क्या सर, पहले हमें डाउनलोड करना है, साइन अप करना है किसी ना किसी कोर्स से, हमें कोर्स से रिफर इसको साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें रिफर अर्न करना होता है इसको। कैसे करना होगा पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। अब यहाँ से इस एप्लीकेशन से आप कर क्या सकते हैं, ऑलरेडी आप वही सब चीजें कर रहे हैं आप, हमें बिल पेमेंट भी यहाँ पे सर्विस उपलब्ध है, हम कार बुकिंग भी कर सकते हैं, हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस कार का, बाइक का इंश्योरेंस, हमें अगर पैसा ट्रांसफर करना हो आपस में वो भी कर सकते हैं, मूवी शॉपिंग सारी चीजें उपलब्ध है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे सर। आप एक स्कीम शो कर रहा है अपग्रेड आईडी प्राइम मेंबर प्रोग्राम, ये क्या है इसे थोड़ा समझना है, तो मैं थोड़ा बैक आपको लेके चलता हूँ कि प्राइम मेंबर फीस है क्या। बहुत से लोग कहते हैं कि यार मुझे फीस नहीं देनी, फीस क्या, अब यहीं पे लोगों का प्रोग्राम अटक जाता है, अब मुझे फीस देनी पड़ेगी, तो सर फीस क्या है, हम कोई नई चीज यहाँ पे नहीं ले रहे ना कोई, अब एक प्राइम मेंबर फीस है क्या है इसको थोड़ा चलते हैं। अब एक मैं सिस्टम आपको बता रहा हूँ व्यापार बदलाव के साथ, अब यहाँ से मैं बता दूं कि प्राइम मेंबर फीस होती क्या है और ऑलरेडी हम सारे कस्टमर दे रहे हैं, किस बिहाफ पे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, सारी चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव के साथ ही तरक्की हो सकती है, नए लोगों से मिलिए, नई सोच के साथ काम कीजिए और नए आइडिया पे काम कीजिए। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर आवाज है तो मुझे बताइएगा। Change their minds, cannot change.
आवाज आ रही है थोड़ा बढ़ा दीजिए, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। सोचने का तरीका नहीं बदल पाते तो कुछ भी नहीं बदल सकते। आ रही आवाज? कुछ भी नया बहुत एक्चुअली क्या होता है अजय जी, हाँ जी स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। शेयर एक बार आप, मैं स्टॉप कर रहा हूँ आपका शेयरिंग, ठीक है? कोई मैं नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। हाँ, वापिस शेयर करोगे ना, हाँ जी, नीचे शेयर में नीचे एक बटन होता है शेयर कंप्यूटर साउंड, ओके। आप शेयर पे क्लिक करें वापिस, सबसे नीचे नीचे एक टिक मार्क होता है ओके ओके ओके, शेयर कंप्यूटर साउंड, बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ आप वापिस शेयर करें एक बार और फिर वापिस प्ले करें यही वीडियो। वो किया आपने क्लिक? वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना ये चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिए, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आप इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं। चलिए सर, आप लोगों ने वीडियो देखा? यस सर। आपको अगर हकीकत में अपनी सभी जरूरतों को पूरा करना है तो ये एक्स्ट्रा पैसे कैसी आवश्यकता है, तो ये पीपीटी आप पूरी देखिए। हम अपने जीवन में कुछ नया करें तभी हम जीत सकते हैं दोस्तों। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो फीस मैंने आपकी बात करी प्राइम मेंबर फीस, ये कोई नई चीज नहीं है, ऑलरेडी हम दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे जियो की मैं बात करूं, नेटवर्क बनाने के लिए काफी इन्वेस्ट किया, टावर लगाए, फ्री कनेक्शन दिया और आज उन्हीं से पैसा कमा रहे हैं और हम सारे लोग यूज कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी मैं बात बताता हूँ आपको दोस्तों कि आइडिया, वोडाफोन, आपका एयरटेल, इतने बड़े बड़े ब्रांड थे जो 2 साल में हिल गए। क्यों हिल गए? क्योंकि लोगों ने जियो को एक्सेप्ट किया है और आने वाले टाइम पे अगर नेक्स्ट मनी को लोगों ने एक्सेप्ट किया तो तब क्या होगा हुजूम सर, आप थोड़ा सोचिए, ये हमें सोचने की जरूरत है। उसी प्रकार ओला ने भी क्या किया, नेटवर्क बनाने के लिए आपको पहली राइड्स पे कुछ फ्री गिफ्ट दिए, 100 से 200 रुपए आपको डिस्काउंट दिया और हम लोगों ने उसका फायदा उठाया, आज हमसे ही पैसा कमा रहे हैं। तो सर ये मत सोचिए कि हमें कुछ पैसा लगाना नहीं पड़ेगा, कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, किया है नेटवर्क बनाया के लोग पैसा समय अर्न कर रहे हैं यहाँ पे। हम अपना नेटवर्क बनाया और नेटवर्क बनाने में हमें खर्च ना करना पड़े बल्कि हमें नेटवर्क बनाने का पैसा मिले। तो दोस्तों इससे थोड़ा गुड पॉइंट क्या हो सकता है हमारे लिए, हम समझते हैं कि पैसा मिलेगा कैसे, पहले ये समझते हैं कि हम एक्स्ट्रा काम क्यों नहीं करते आज की डेट में, क्योंकि कुछ हमें डर सताते हैं। वो डर है क्या? पहला शायद हम इसलिए कुछ काम नहीं करते कोई नुकसान ना हो जाए दोस्तों, कुछ पैसा लगाएं सर डर है यार डूब ना जाए, हम नहीं लगाएंगे, ये पहला डर हमारा नुकसान का डर। दूसरा कुछ खरीदना तो नहीं पड़ेगा, तीसरा हमें यार कुछ बेचना तो नहीं पड़ेगा, तो हम पहले डर से बाहर आते हैं, तीनों पॉइंट से पहले बाहर आते हैं दोस्तों। यहाँ ना कोई निवेश करना है आपको, ना यहाँ कुछ खरीदना है आपको और ना ही कुछ यहाँ पे आपको बेचना है। और हमारा जो भी तरीके से पैसा आएगा वो 1 सेकंड में आपके अकाउंट में आएगा, विद इन अ सेकंड आप अपने अकाउंट्स में ले सकते हैं। 3 पॉइंट से कम नहीं चलती, हमने तीनों पॉइंट सर बाहर निकाल दिए, खरीदना, बेचना और पैसा कमाना। लगाना नहीं तो पैसा आएगा कहां से? चलो सर इस पे बात करते हैं थोड़ा। आप देखते हैं कि बाजार में पैसा है कहां? जी हाँ, पैसा उपलब्ध है दिमाग और तकनीक, मतलब दिमाग का सही प्रयोग करने पे। कैसे? जैसे ओला उबर का एग्जाम्पल ले लीजिए, इनकी कोई टैक्सी कंपनी नहीं है, टैक्सी कंपनी है लेकिन इनकी कोई मार्केट में टैक्सी नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा कमा रहे, सिर्फ इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से पैसा कमा रहे आज। Amazon, Flipkart, Snapdeal, ये शॉपिंग पोर्टल, इनकी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, स्मार्ट है फिर भी करोड़ों का पैसा कमा रही है, सर्विस देकर, सर प्रोडक्ट नहीं देकर, सर्विस देकर पैसा कमा रही है, समझिए, सर्विस बिलोंग करते हैं। लेकिन उनके ट्रांजेक्शन करने पे रेफर करने वाले व्यक्ति को एक भी पैसा नहीं आता है यहाँ पे, ये पॉइंट है, इसको सोचिए। इनके रेफर, हमारे इन सबको रेफर करने पे हमें कोई भी पैसा नहीं आता है। अब चाहे इनके द्वारा हमने 1 से 1 करोड़ की टीम क्यों ना बनाई हो, यहाँ पे ओयो ले लीजिए, मेक माई ट्रिप ले लीजिए, गोआइबो ले लीजिए, ये सब एप्लीकेशन है, इनके थ्रू होटल बुक होते हैं, लेकिन इनका खुद का होटल मार्केट में नहीं है।
आपको पता होना चाहिए, इनका खुद का होटल है फिर भी ये पैसा कमा रहे हैं कैसे, एक दूसरे कनेक्टिविटी में पैसा कमा रहे हैं, तब ये सारी चीज कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। तो हमें भी इस चीज को करना चाहिए। खाना बनाता कोई और है, खाता कोई और है, कमाता कोई और है सर। जोमेटो और स्विगी आज की डेट में खाना बना कोई और है, दे कोई और है, कमा कोई और है, सब माई टेक्नोलॉजी का खेल चला मार्केट में इस समय। इन कंपनी ने लोगों की जरूरत का लाभ उठाया, सभी लोग सुविधा चाहते थे घर बैठकर आसान तरीके से, और ये कंपनियां फायदा ले रही हैं इस समय। अब चाहे हमें इनकी कीमत 2-4% एक्स्ट्रा क्यों ना देनी पड़ी, और हम दे भी रहे हैं, हम उस पर क्वेश्चन नहीं उठाते, हम दे रहे हैं आराम से उस चीज को। अब देखते हैं कि इन सबके आगे भी कुछ ऐप हम यूज करते हैं अपने मोबाइल में, हमारे मोबाइल में भीम ऐप भी है, गूगल ऐप भी है, पेटीएम भी है, और आज पेटीएम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, आपको उससे ऑलरेडी आप अवेयर हैं। पेटीएम आपके और हमारे द्वारा ही सर स्वीकार किया गया है, 2-3 साल पहले इसकी कोई भी वजूद नहीं था, लोग पेटीएम को एक्सेस नहीं करते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद हमारे पास ऑप्शंस यही था ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो आज की डेट में लोगों ने इसको यूज करा और आज डेट में बड़ा एम्पायर इसने खड़ा करा है, और जिसने भी इसमें टीम में अपने टीम बनाई ना, तो जो भी ट्रांजेक्शन इनके थ्रू हो रहे हैं उस बंदे को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, इस चीज को समझिएगा। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर मैं ई कॉमर्स की मैं बात करूं आपसे, आज ये पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बिग बास्केट है, आज इनका टर्नओवर देखिए, टर्नओवर आप इनका देखिए ये कितना टर्नओवर कर रहे हैं लोगों के, यहाँ पे सर्विस देके टर्नओवर कर रहे हैं। तो अगर हम नेटवर्क को बिल्ड करें तो हम ऑलरेडी सर्विस ऑलरेडी वो सब ले रहे हैं, हमें सिर्फ इनको नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं और कोई करना है। अब उसी पर एक ऐप तैयार हुआ जिसका नाम है नेक्स्ट मनी, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इन सभी एप्लीकेशन की तरह आप यहां से फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं नेक्स्ट मनी के थ्रू। आप नेक्स्ट मनी से ये भी सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और आप यहां पे रेफर के द्वारा 1-1 करोड़ की टीम बना सकते हैं, और ये सब जब जब ट्रांजेक्शन किसी की भी तरीके का करेंगे, चाहे वो बैंक ट्रांजेक्शन हो, चाहे शॉपिंग हो, रिचार्ज हो, अगर आपके द्वारा टीम बनाई गई है तो आपको उनका पैसा मार्केट में इनके थ्रू प्राप्त होगा सर। लेकिन आपको नेक्स्ट मनी इन सभी लोगों का ट्रांजेक्शन का पैसा क्यों दे, मैंने आपसे बात करी थी प्राइम मेंबर फीस के बारे में, मैंने आपसे बात करी थी, मैं आप उसी भी डिस्कशन पे पॉइंट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट मनी ही पैसा क्यों दे, हम पेटीएम भी प्रमोट करते हैं, गूगल पे भी प्रमोट करते हैं, हम एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं मार्केट में, लेकिन ये हमें कभी कमाने का मौका नहीं, तो नेक्स्ट मनी ही क्यों दे। चलो सर बात करते हैं, तो सभी कंपनी की तरफ से जो हमसे कुछ स्पेशल फीस लेती है और हम दे भी रहे हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गो आई बीबो, मेक माई ट्रिप, हॉटस्टार, नेटमैट्स, बिग बास्केट, यहाँ तक कि अगर हमें क्रिकेट मैच अभी चल रहा हो तो हमें लाइव और देखना, तो हॉटस्टार हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, और एक साल की मेंबर फीस होती है 999 रुपए, और हम सब देते हैं सर, और आराम से क्रिकेट मैच को लाइव देते हैं। वहां पे हम फीस दे सकते हैं जहां पे हमें कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन यहां पे हम फीस दे के पैसा कमा सकते हैं। वहां पे साल भर की टाइमिंग होती है, यहां पे है लाइफ टाइम, नो टाइम लिमिट, नो आपका एक्सपायरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ प्राइम कस्टमर बनाते हैं और प्राइम कस्टमर की फीस लेते हैं। फीस क्या होती है सर, 1,000 से 2,000 के बीच में हम फीस देते हैं, प्राइम मेंबर फीस इन सारे लोगों को। ये पैसा जाता कहाँ है, कंपनी के खाते में जाता है सर, ये पैसा कभी वापस नहीं होता है, ये पैसा सिर्फ एक साल के लिए होता है, और दोबारा जब हमें इन सारी कंपनी में अगर मेंबर फीस मेंबर प्राइम मेंबर बनना हो तो हमें फिर से फीस देनी होगी, अन्यथा फिर हमें उसके बेनिफिट नहीं मिलता है। अब प्राइम मेंबर बनने में बेनिफिट मिलता है क्या है, चलो उस पर बात कर लें सर। इसके बदले आपको मिलता है क्या है, नॉर्मल कस्टमर को कैशबैक डिस्काउंट मिलता है, और प्राइम कस्टमर को उनसे कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक डिस्काउंट मिलता है, फ्री डिलीवरी, कभी कभी कुछ स्पेशल ऑफर दे दिए जाते हैं, तो यही सारी चीजें हैं, लेकिन हम इसके लिए फीस अलग से देते हैं। नेक्स्ट मनी ने इसकी प्राइम कस्टमर को एक सिस्टम में बदल दिया। हम यहाँ पे जो प्राइम फीस ले रहे हैं 1770, ठीक है, ऑलरेडी आप सबको मालूम है इसकी फीस है 1770 ही, प्राइम मेंबर फीस है, यहाँ पे 1500 रुपए फीस और 200 रुपए जीएसटी है। यहाँ पे भी आपको मिलता है कैशबैक, डिस्काउंट, टाइम टू टाइम ऑफर और फ्री डिलीवरी, ये सारी चीजें यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे 270 चले जाते हैं आपके टैक्स में, और 1500 में से कंपनी 90% पैसा बांट देती है डिस्ट्रीब्यूटर्स में और सभी प्राइम कस्टमर में, 10% अपने परसेंट अपने पास रखती कंपनी, और 10% के बदले कंपनी 1500 रुपए के साथ रिवॉर्ड पॉइंट आपको वापस करती है। जब आप अपना आईडी को 1717 से अपग्रेड करते हैं तो उसमें आपको 1500 रुपए रिवॉर्ड पॉइंट वापस मिलते हैं, और जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है उसका 50 रुपए 50 रिवॉर्ड पॉइंट आपको अलग मिलता है, और 1 रिवॉर्ड पॉइंट बराबर होता है 1 रुपए, जिसे हम अपने किसी भी ट्रांजेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके हम पैसों के साथ उसे यूज कर सकते हैं सर। सभी रिवॉर्ड पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी ट्रांजेक्शन में, थोड़ा सा जैसे किसी भी बुकिंग में, किसी भी रिचार्ज में, किसी भी नेक्स्ट शॉपिंग में आप इसे यूज कर सकते हैं।
एक स्क्रीन पे आपके शो कर रहा है कि अगर हम बुकिंग में अगर हम इसको यूज करेंगे अपने जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो किस तरह से एडजस्ट होंगे, एक स्क्रीन पे शो कर रहा है। बुकिंग में आप 1-5% एडजस्ट कर सकते हैं। वो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक फ्लाइट बुकिंग करी जिसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपए, मेरा रिवॉर्ड पॉइंट मेरे पास है 1500 रुपए, 2% उसमें से यूज हो गया रिवॉर्ड पॉइंट, मतलब 200 रुपए मेरे वहां से कट गए, मुझे 9,800 रुपए मुझे कैश पेमेंट कर रहे हैं, टोटल मेरा बुकिंग हो गया सर 10,000। जैसे ही मैं ऐसे बुकिंग को डन करूंगा मुझे 2% कैशबैक, मतलब 200 रुपया मुझे कैशबैक आ जाएगा, ये पैसा मैं अपने बैंक में ले सकता हूं दोस्तों। ठीक है जी, सेम रिचार्ज यूजर के लिए अब 1% आपके रिवॉर्ड पॉइंट या डिस्काउंट पॉइंट आप यूज कर सकते हैं रिचार्ज में, 2% कैशबैक आपको यहाँ पे मिलेगा रिचार्ज में। अगर आप नेक्स्ट शॉपी जो कंपनी का खुद का पोर्टल है जहाँ पे आप 1-40% अपने रिवॉर्ड पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप कुछ भी यहाँ पे ना मत करिए, अगर जो भी यूजर ऑलरेडी इन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा मेंबर फीस ले रखी है, अगर वो कुछ भी ना करें, सिर्फ नेटवर्क कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपने मोबाइल का रिचार्ज ही करें, घर का रिचार्ज करें 1550 में, रिवॉर्ड पॉइंट अगर रिचार्ज में यूज कर लेना तो 3100 का कैशबैक उनको मिल जाएगा, तो वो वहां से बेनिफिट ले सकते हो। प्रॉफिट है, लॉस का कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, सारा प्रॉफिट में, रिचार्ज हम ऑलरेडी करना ही करना है, किसी भी पोर्टल से हम करते ही करते हैं दोस्तों। आपने देखे कि इस सिस्टम में किसी का कोई नुकसान नहीं है जिंदगी में कभी भी, इस सिस्टम में कोई नुकसान नहीं है, तो इस सिस्टम को हम कितने तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं हमारे पर निर्भर करता है। अब इस प्लान को देखते बस बस यही दिमाग में रखना है कि प्लान करना क्यों है, क्यों करते हैं हम कोई चीज, अपने परिवार की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। वो घर की क्या क्या है, घर की कुछ छोटी छोटी जरूरतें होती हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं जो समय पे पूरी नहीं होती हैं, जैसे छुट्टियों में घूमना, विदेश यात्रा, कार खरीदना, मकान बनाना, बाइक खरीदना और लोन चुकाने इत्यादि, ये सारी चीजें हैं जो हम इन चीजों के लिए भागते रहते हैं। तो ये सारी जरूरत हम नेक्स्ट मनी के थ्रू हम आराम से कर सकते हैं। हाउ टू अपग्रेड, अपग्रेड करने के लिए पहले मैंने आपको बताया कि आपको उसको डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, उसके बनाए उसके बदन आपको रेफर करना है। अपग्रेड करने के लिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा है आपका चौथे पॉइंट पे अपग्रेड ऑप्शन, जब आप प्लस का साइन आएगा, प्लस के साइन पे जैसे क्लिक करेंगे अपग्रेड ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, नॉमिनी डिटेल्स आप फिल करेंगे, अपग्रेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको पेमेंट डिटेल्स मांगता है कैसे पेमेंट करना है, तो वहां पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑप्शन आता है, तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं और आपको एक इनवॉइस जनरेट होगी, उसके बाद 1770 की इनवॉइस आपके वो मेल पे आ जाएगी सर। देन उसके बाद आपको गारंटीड सर्विस कैशबैक आपको मिलेगा विदाउट टर्म एंड कंडीशन, नो एक्सपायरी सर। यहाँ पे कुछ आप फ्री सर्विस भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, पोस्टपेड बिल, लैंडलाइन बिल, मेट्रो बिल भी आप यहाँ पे फ्री सर्विसेज को यूज कर सकते हैं जो आप ऑलरेडी पे कर से हैं। यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी इन सर्विसेज को अगर आप पे करते हैं, अगर आप मान लीजिए पोस्टपेड बिल अगर आप पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरा पेमेंट करना, अगर 1000 का बिल है तो आपको 1000 पूरा पे करना पड़ेगा, आपके यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट या डिस्काउंट पॉइंट यूज नहीं होते हैं, प्लस आपको यहाँ पे 25% डिस्काउंट पॉइंट आपको मिलता है, अगर 1000 का बिल है तो 250 डिस्काउंट पॉइंट आपको वापस मिल जाएंगे, जिससे आप किसी भी ट्रांजेक्शन में नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मनी बिजनेस प्लान, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्लान है क्या, B2B मॉडल के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, जीरो रिस्क हाई प्रॉफिट, कैसे, चलिए सर इस पर बात करते हैं थोड़ा। 8 ways ऑफ अर्निंग, यहाँ पे 8 तरह की अर्निंग आप कर सकते हैं, कैसे, पहला कैशबैक, आप खुद अगर शॉपिंग करें, खुद ही प्रोडक्ट यूज करें तो वहां से आप पैसा कमा सकते हैं, मतलब अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा रिफर इनकम, जो आप टीम बिल्डिंग से कमा सकते हैं, रीपर्चेज इनकम 25% कैशबैक आप रीपर्चेज से कमा सकते हैं, रिवॉर्ड एंड कंपटीशन है आपका, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, टीम रॉयल्टी इनकम सर मिलती है, कंपनी रॉयल्टी इनकम आप कमा सकते हैं, मर्चेंट शॉपिंग रॉयल्टी है और नेक्स्ट शॉपिंग इनकम है। ये क्या है इसके बारे में आपको वन बाय वन समझाता हूँ आपको सर। पहला हम बात करते हैं रिफर इनकम, 10 लेवल के यहाँ पे हम रिफर करके टीम बना सकते हैं, हर लेवल पे बढ़ते क्रम पे आपको यहाँ पे इनकम मिलेगी। रिफर करना कैसे, फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू हम कर सकते हैं या कोई भी आपका सोशल मीडिया उसके थ्रू आप इसे रिफर कर सकते हैं। करना किसको सर, नेबर्स हो गया, फ्रेंड हो गया, रिलेटिव हो गया, स्ट्रेंजर हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप से हम ऑलरेडी बात करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, तो आप उन्हें अपना लिंक शेयर करके डाउनलोड करा सकते हैं। अब अर्निंग कैसे होगी सर, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट अर्निंग कैसे होगी। फर्स्ट अर्निंग है कि मैंने डाउनलोड किया, मैंने अपने 5 दोस्तों को इसके बारे में बताया, उनका डाउनलोड कराया, उनको 1770 से अपग्रेड कराया सर, ठीक है। ये मान लीजिए फर्स्ट लेवल है, 270 रुपये आपका जीएसटी में जाता है, 1500 का 20% आपको फर्स्ट लेवल पे दिया जाएगा, मतलब 300 रुपये 1500 का। मान लीजिए पहले आप थे, आपने अपने 5 लोगों को यहाँ पे अपग्रेड करवाया, हर व्यक्ति से आपको 300 रुपये की अर्निंग होगी, तो टोटल आपको अर्निंग
की 1500 रुपए की जॉब की नेक्स्ट मनी वॉलेट में जाएगा, आप इसे आईएमपीएस या एनएफटी के थ्रू आप अपने बैंक में ले सकते हैं विद इन अ सेकेंड। अगर आप आईएमपीएस करेंगे तो आपका विद इन अ सेकेंड आपके अकाउंट में आएगा, कुछ टैक्स कटेगा आपका 10 रुपीज का, ये आपकी फर्स्ट अर्निंग है दोस्तों। अब आपके स्क्रीन के सामने कुछ शो कर रहा है आपका लेवल वाइज, यहाँ पे मैं आपको लेवल वाइज इनकम बता रहा हूँ कि टीम कैसे जनरेट हमें करनी है। ये था सर हमारा फर्स्ट लेवल, मान लीजिए मैं हूँ, मैंने 5 लोगों को आगे प्रमोट किया, उन्होंने अपना पैकेज अपग्रेड कराया, हर व्यक्ति से मुझे 300 रुपए आएगा तो मेरी अर्निंग हो जाएगी 1500 रुपए। अब ये 5 लोग अपने नेक्स्ट लेवल के लिए अगर प्रमोट करेंगे तो ये मेरा दूसरा लेवल होगा, तो मेरे दूसरे लेवल में 25 लोग हो जाएंगे और मुझे जो नेक्स्ट लेवल पे जो अर्निंग आएगी उनसे 30 रुपए पर कैंडिडेट से मुझे, पर एसोसिएट से मुझे अर्निंग होगी 750 मेरी अर्निंग हो जाएगी। जब ये 25 लोग नेक्स्ट 5 लोगों को प्रमोट करेंगे, आईडी अपग्रेड कराएंगे प्राइम मेंबर फीस से, तो मुझे थर्ड लेवल पे 45 रुपीज मुझे अर्निंग होगी। टोटल यहाँ पे आपको 6000 समथिंग यहाँ पे आपको शो करेगा फिगर। चौथे लेवल में जब ये 125 लोग नेक्स्ट अपने 5-5 लोगों को प्रमोट करेंगे प्राइम मेंबर फीस से अपग्रेड कराएंगे, तो मुझे चौथे लेवल पे 60 रुपए मिले। और दोस्तों ये पहली कंपनी मैं देख रहा हूँ जो बढ़ते हुए नीचे क्रम में जो जा रही है वो बढ़ते हुए क्रम में पैसा दे रही है, ये तो बाकी वो घटते हुए क्रम में पैसा देती है। तो अगर 10 लेवल तक की मैं बात करूं, अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करूं 10 लेवल तक अगर मैं इनकम की बात करूं, अगर हर व्यक्ति 5 का कैलकुलेशन लेके चल रहा है तो 1,86,48,83,750 रुपए की अर्निंग होती है। और अगर मैं बात करूं लीजिए शुरू करने में अगले 12 महीने का हमें टाइम अगर मैं लेता हूं तो 12 लाख अगर मुझे कमाना है तो कम से कम 12 लाख जैसी हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर मैंने 1 महीने में 5 लोगों को कंप्लीट कर लिया तो ये आराम से हर व्यक्ति कर सकता है, ये ऐसी फिगर है जो हर व्यक्ति आराम से कर सकता है, अपने ऊपर आए तो कर सकता है। यहाँ पे आप 1 भी करिए 2 भी करिए 3 भी करिए तब भी आप पैसा कमाएंगे, लेकिन मैं आपको 5 से कैलकुलेशन कुछ बताना चाह रहा हूँ कि 5 का कैलकुलेशन है क्या। सर मान लीजिए ना कोई व्यक्ति 5 से कम करे ना कोई व्यक्ति 5 से ज्यादा करे, और हर व्यक्ति 1 महीने का अगर टाइम ले इस फिगर को कैलकुलेट करे तो यहाँ पे आपके सामने शो करेगा कि हम 10 महीने में 100% काम होता है यहाँ पे दोस्तों, और हम 100% सक्सेस होते हैं। लेकिन कोई काम 100% मार्केट में नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है फेल सक्सेस और इनकम। चलिए सर बात करते हैं कि हमारा फेल रेशियो है क्या। मान लीजिए अगर मेरा फेल रेशियो 0 है तो 100% मेरा काम हुआ तो मेरी इनकम क्या होगी। तो सर हम यहाँ पे 178 CR तक अर्न कर सकते हैं अगर 100% काम हुआ, हर लोगों ने 5-5 का कैलकुलेशन बखूबी निभाया हर व्यक्ति ने, तो हम यहाँ पे 100% सक्सेस हो सकते हैं। चले फिर भी आपकी राय है कि 100% काम नहीं होता है, लोगों को लगता है, बिल्कुल सर मान लेते हैं मैं 50% भी मेरा काम गलत हुआ है, मैं फेल हुआ यहाँ पे, और 50% अगर मैं सक्सेस हुआ तब भी मैं दोस्तों यहाँ पे 89 CR तक कमा सकता हूँ यहाँ पे। चलिए इसके बाद भी मैं बात करता हूँ अगर 90% भी मेरा फेल रेशियो रहा और 10% मेरा सक्सेस रेशियो रहा तब भी मैं 17.8 CR तक अर्न कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर 99% भी अगर मेरा रेशियो फेल का रहता है और 1% मेरा सक्सेस का रेशियो रहता है फिर भी यहाँ पे आप 1.78 CR तक अर्न किया जा सकता है। और एक ऐसा फिगर है जो 99.99 फिगर भी अगर हम फेल हो जाते हैं मान लेते हैं और 0.1% भी मेरा सक्सेस रेशियो रहा तब भी मैं कम से कम 1 साल में या 2 साल में 17 लाख रुपए तो यहाँ से कमा सकता हूँ। तो एक नॉर्मली फिगर है, कोई व्यक्ति 1 करेगा कोई व्यक्ति 2 करेगा डजंट मैटर, लेकिन हमें कनेक्ट रहना है करते रहना है, जैसे जैसे लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे हमारा ग्रोथ बढ़ता जाएगा दोस्तों, तो लगे रहना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। इसके अलावा ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ नेटवर्क बिल्ड करने का, मैं इनकम बता रहा हूँ सिर्फ। अब नेटवर्क बिल्ड करने के बाद क्या क्या इनकम सर सोर्स आगे मिलती है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। यहाँ पे जैसे आप अपने 5 कंप्लीट कर लेते हैं डायरेक्ट, अपने 5 लोगों को आप अपग्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे सिल्वर आप बन जाते हैं, और आपके जैसे 10 लेवल अपग्रेड होते हैं लेवल वाइज तो यहाँ पे आपको एक सिल्वर रॉयल्टी आपको मिलती है। नेटवर्क का पैसा आप अलग कमा रहे थे, अब आप यहाँ पर रॉयल्टी भी आप कमाएंगे नेटवर्क बिल्ड करने के साथ साथ। रॉयल्टी 10 लेवल के बाद अब जितनी भी ज्वाइनिंग्स आ रही होगी हर व्यक्ति से आपको 10 लेवल के बाद 15 रुपए आपको इनकम अलग आएगी सर। ये नेटवर्क बनाने की बात की इनकम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेटवर्क बनाना जरूरी है, नेटवर्क बनाएंगे तो इनकम डे बाई डे और एक एक स्टेप वाइज इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे लीडरशिप रॉयल्टी की अगर मैं बात करूं, अगर आपने अपने 5 किए और उनके 5-5 कराने में मेहनत करी, जब वो लोग अपनी स्टीम अर्निंग से पैसा कमा रहे होंगे दोस्तों तो आपको उनकी इनकम का 10% डायरेक्ट आपको उनको उपलब्ध होगा। तो मैं आपको बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि नेटवर्क सिर्फ बनाना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, नेटवर्क अगर बिल्ड करा ये सारी इनकम हमें प्राप्त होगी यहाँ से। इसके अलावा
अगर हमने यही चीज 30 दिन में अगर हम कर लेते हैं अपने पांच और उनके पांच पांच कराने में अगर हम मेहनत कर लेते हैं 30 दिन के अंदर, तो हम यहाँ पे गोवा क्वालिफाई कर लेंगे और हम गोवा जा सकते हैं कंपनी तरफ से, आना जाना रहना खाना पीना सब कंपनी तरफ से, हम ये अचीवमेंट्स पा सकते हैं अगर हम 30 दिन में काम कर लेते हैं तो। हेल्प फाइव टू कंप्लीट फाइव, तो हमें हर दूसरे की मदद करनी है और मदद करते हैं हम ये अचीवमेंट्स पा सकते हैं दोस्तों। चलिए सर, डायरेक्ट हमारे साथ जो भी लोग कनेक्ट थे, हमने जिनको भी डायरेक्ट अपने कनेक्ट किया पहले लेवल पे, पहले लेवल पे ही हमारे सारे लोग अगर उस सिल्वर हो जाते जो हमसे डायरेक्ट थे, तो हम यहाँ पे गोल्ड रॉयल्टी के लिए अचीवेबल्स अचीव हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे गोल्ड रॉयल्टी प्राप्त होती है। 10 लेवल के बाद आपको यहाँ पे 30 रुपए आपको पर इनकम आपको मिलने लगती है पर ट्रांजेक्शन, जितना भी आईडी आ रहा होगा 10 लेवल के बाद से सर। तो हमारे डायरेक्ट जो भी लोग हैं वो सिल्वर होने चाहिए यहाँ, तो हमें गोल्ड रॉयल्टी प्राप्त होगी। अगर हमारे किसी भी लेवल 5 गोल्ड हो जाते हैं डिफरेंट लेग से, किसी भी लेग से हमारे 5 गोल्ड बन जाते हैं, तो हमें यहाँ पे 10 लेवल के बाद हमें यहाँ पे डायमंड रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाती है और ये अमाउंट होता है 45। छोटा सा सर अमाउंट है 10, 15, 45, लेकिन जब आपके पास बल्क में लोग होंगे, आप कैलकुलेशन, अभी मैं कैलकुलेशन पे भी आपसे बात करूंगा, एक बड़ी कैलकुलेशन जो कहां से कहां पहुंचेगी उसमें भी डिस्कशन आपसे करूंगा। कंपनी रॉयल्टी की सर मैं बात करूं, एक बिग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अभी तक इस कंपनी में कोई भी, अभी डायमंड की मैं बात करूं कि यहाँ पे जैसे ही हमारे नीचे 5 डायमंड होते हैं, यहाँ पे 5 जैसे ही डायमंड होते हैं, तो एक बहुत कैलकुलेशन की बात है, आप सबको बधाई है कि आप यहाँ पे क्राउन डायमंड बनते हैं, और क्राउन डायमंड बनने के बाद अभी तक आपकी टीम में ज्वाइनिंग का पैसा आपको मिल रहा था 30, 45, 30, 15 रुपए, लेकिन जब आप क्राउन डायमंड आप बन जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी में जितनी भी ज्वाइनिंग आ रही होगी ना, उनकी ज्वाइनिंग का 1% आपको जितने भी क्राउन डायमंड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी तक कोई भी इस कंपनी में क्राउन डायमंड नहीं है, तो मेहनत करके क्राउन डायमंड अचीवमेंट्स किया जा सकता है। एक कैलकुलेशन है 5, 25, 125, 6 to 5, ये कैलकुलेशन अगर हम इस रेशियो से लेके काम करें तो ये अचीवेबल से, और हम इसे अचीव कर सकते हैं अगर हर बंदा अपने 5 को अचीव करता चले यहाँ पे। नेक्स्ट मनी के द्वारा आप सभी विदेश जा सकते हैं अगर हम ये कैलकुलेशन अगर इसको अचीव करें, 30 दिन में अगर हम अपने 5 और उनके 5 कर लेते हैं तो हम गोवा जा सकते हैं, अगर 90 दिन में 5, 25, 125 कर लेते हैं तो हम दुबई जा सकते हैं सर, और लाइफ टाइम कभी भी अगर हम 6 to 5 का रेशियो अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हम मलेशिया जा सकते हैं। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने अचीव नहीं करा है तो नेक्स्ट मलेशिया तो जा ही सकते हैं सर यहाँ से। रीपर्चेस इनकम की मैं बात करूँ सर, टीम की मैं नेटवर्क की बात अलग हो गई, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो टीम आपकी है अगर वो स्नैपडील अमेजोन या फ्लिपकार्ट से अगर खरीदारी कर रही है, तो उन्हें जो कैशबैक जा रहा है उनके कैशबैक का हमें 25% 10 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट लोगों तक बटेगा, तो एक बहुत बड़ी इनकम है इस चीज को, इसे समझना है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन है सर, सिर्फ हमें डुप्लीकेट करना है यहाँ पे अपने 5, यहाँ पे हमने अपनी कोई ये नकल का व्यवसाय यहाँ पे लिखा हुआ है और अपने विचार लागू मत करिए, सिर्फ डुप्लीकेट करिए सर, 5 की है आप भी 5 करिए, आप भी 5 करिए, सिर्फ डुप्लीकेशन है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, सिर्फ डुप्लीकेशन करना है इसमें। लीडरशिप बोनस है यहाँ पे कंपनी की, यहाँ पे नेक्स्ट शॉपी साइट है, नेक्स्ट शॉपी प्रोडक्ट अगर हम परचेज करते हैं अपनी टीम को, अगर परचेज करवाते हैं वो परचेज करते हैं, तो यहाँ पे हम उस तरह की इनकम परचेज कर सकते हैं नेक्स्ट शॉपी के थ्रू, टीम इनकम है और योर इनकम है। फर्स्ट लेवल में जितने भी लोग कंपनी के शॉपिंग पोर्टल से अगर खरीदारी कर रहे हैं नेक्स्ट शॉपी से, तो उनकी इनकम का हम 10% तक कमा सकते हैं, अगर वो 10,000 कमा रहे तो 1,000 रुपए की इनकम हमारी हो जाएगी। सेकंड लेवल पे अगर वो 1,00,000 रुपए कमा रहे तो हमारी इनकम हो जाएगी 10,000 रुपए। थर्ड लेवल पे अगर वो 5,00,000 रुपए कमा रहे तो हमारी इनकम हो जाएगी 50,000 रुपए। चौथे लेवल पे अगर वो 10-20 लाख रुपए कमा रहे तो हमारी यहाँ पे 2,00,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। अगर पांचवे लेवल पे जो भी टीम है अगर वो 50,00,000 रुपए अर्न कर रही है टोटल पूरा पांचवे लेवल पे, तो हम यहाँ पे 5,00,000 रुपए अर्न कर सकते हैं अगर हम नेक्स्ट शॉपिंग पोर्टल से जो भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं अगर खुद यूज करें और लोगों को यूज कराएं, तो ये बड़े फिगर में हम फिगर को तब्दील कर सकते हैं यहाँ दोस्तों। टोटल इनकम की बात करूं तो आपका 7,61,000 प्लस मैचिंग प्लस डायरेक्ट इनकम यहाँ पे ऑलरेडी है। अब ये रीपर्चेस इनकम हमें मिलेगी कहाँ से, ये हमारे पास ऑप्शन है जो ऑलरेडी हम सारी चीजें करते हैं। रिचार्ज सेक्शन है, रिचार्ज सेक्शन में आपका 1% आपका रिवॉर्ड पॉइंट या डिस्काउंट पॉइंट यूज होता है, और यहाँ पे 2% सर कैशबैक आता है, आपका बिग बाजार आपका अवेलेबल है, कैश कार्ड है आपका, गिफ्ट कार्ड है आपका, फास्ट ट्रैक है, यहाँ से आप अगर यूज करेंगे तो आपको कैशबैक आपको मिलेगा। नेक्स्ट शॉपिंग पोर्टल है, अगर कंपनी के खुद के प्रोडक्ट से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपका 70% का रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट आप यूज कर सकते हैं और 20% कैशबैक आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपका वॉलेट में 100% MRP वर्थ डिस्काउंट पॉइंट आपको दोबारा मिल जाता है,
और अगर आप बुकिंग कोई भी करते हैं, आप जैसे फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, इस तरह की कोई भी बुकिंग करते हैं, यहाँ पे 1-5% रिवॉर्ड पॉइंट या डिस्काउंट पॉइंट आप यूज होगा आपका, और मिनिमम 2-10% कैशबैक आपको मिलेगा वॉलेट में। ये रीपर्चेज इनकम है दोस्तों। अगर ये ऑलरेडी हमारा टीम इन सब चीजों को यूज कहीं ना कहीं से कर रहा है, अगर नेक्स्ट मनी के थ्रू ये करेगा तो हम एक बड़ी इनकम को जनरेट यहाँ से कर सकते हैं घर बैठे। आप रीपर्चेज इनकम, नेक्स्ट शॉपिंग के कुछ प्रोडक्ट है, जैसे बहुत से लोगों के 1550 रिवॉर्ड पॉइंट कहाँ यूज करे, तो कंपनी के खुद के कुछ प्रोडक्ट है जहाँ पे हम 70% हम रिवॉर्ड पॉइंट अपने यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और 20% कैशबैक हमें यहाँ पे मिलेगा, और 100% मार्केट डिस्काउंट जो भी हमने ऑलरेडी डिस्काउंट में यूज करें वो हमें यहाँ पे वापस मिल जाता है दोस्तों। अब ऑप्शन ऑफ रीपर्चेस इनकम, मैंने आपको बताया कि आपका Amazon, Flipkart, बिग बास्केट, Zabong, Netmarts, ये जितने भी आपका ऑफर एंड टाइप पे शो करता है, यहाँ पे सर आपके रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट यूज नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको पूरा पेमेंट आपको करना पड़ता है, और जो भी डिलीवरी आपको हो जाती है उसके बाद आपको 2% कैशबैक आपको मिलता है इस सेक्शन में सर। इंश्योरेंस रीपर्चेस इनकम है, यहाँ पे आप अपनी कार इंश्योरेंस करा सकते हैं, बाइक इंश्योरेंस लोगों ने कराया भी है, लोगों ने आपका स्क्रीनशॉट भी लोगों पे शेयर करा है ग्रुप में, आप देख सकते हैं ऑलरेडी लोगों को कैशबैक भी मिला यहाँ से, तो यहाँ से हम एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन बाजार है आपको रीपर्चेस इनकम के लिए, अगर हम अपना ऑनलाइन बाजार अगर शॉपिंग करें और लोगों को करवाएं तो यहाँ पे आपका मोर देन 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज उपलब्ध हैं। 8% सर कैशबैक है यूजर को, अगर मैं कुछ भी मंगाऊं यहाँ से तो मुझे खुद को 8% कैशबैक मिल जाएगा, प्लस 2% डिवाइड हो जाएगा 10 लेवल तक, तो एक बहुत फ्री डिलीवरी है सर, आप बाय कर सकते हैं, सीओडी उपलब्ध है मतलब कैश ऑन डिलीवरी है, और 7-day रिटर्न पॉलिसी है, आप रिटर्न करेंगे कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा क्यों आप पैसे क्यों प्रोडक्ट वापस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इस फील्ड से अगर लोगों को शॉपिंग खुद करें और लोगों को करवाएं तो बहुत बड़ा पैसा यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन है रिचार्ज का, मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर मेरी 1 crore की टीम अगर बन जाती है, ओके, अगर मैं कुछ भी ना करूं, अगर मेरा टीम सिर्फ 100 रुपए का रिचार्ज करे महीने में, एक महीने में 2 बार सिर्फ करे, तो उसको 2% कैश बैक जाएगा 4 रुपए का, ठीक है। मेरे पास 1 करोड़ की टीम मेरे पास ऑलरेडी है 1 crore की है, तो मेरा कैशबैक कितना हो गया सर 4 crore, 25% कितना हुआ 1 crore टोटल 10 लेवल में डिस्ट्रिक्ट अगर 10 लोग हैं सर 10 lakh rupees डिवाइडेड होगा, आप खुद समझ सकते हैं। मैं रिचार्ज तो कोई बंद कर ही नहीं सकता है, आप खुद ही अवेयर हैं, रिचार्ज तो करना है क्योंकि उसी से कनेक्टिविटी चल रही है। 10 lakh इन योर इनकम फ्रॉम द रिचार्ज सेक्शन से हम कमा सकते हैं। सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करना है दोस्तों, इन सब पे हमें यूजर पे पहले नहीं जाना है, हमें नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क बिल्ड करेंगे ये सब चीजें ऑटोमेटिक अपने आप होंगी। अगर इनके पीछे भागना स्टार्ट करा, यूजर बनाना स्टार्ट करा, तो हम नेटवर्क को बिल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंप्लेन आना स्टार्ट होंगी। नेटवर्क को बनाइए, ऑलरेडी यूजर अपने आप बनेंगे यहाँ पे लोग। अब एक कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे Amazon, Flipkart, Myntra जो भी ये आपके साइट्स हैं आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करूं, चाहे वो रेड आईडी हो जिसने प्राइम मेंबर फीस ना भी दी हो, वो भी अगर खरीदारी कर मेरे ग्रुप में अगर ऐड है वो भी खरीदारी कर रहा है, तब भी मैं उनसे पैसा कमा सकता हूँ यहाँ से। मान लीजिए पहला लेवल मैंने 10 लेवल की मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 500 रुपए की अगर शॉपिंग एक बंदा करता है तो उसको 2% कैश बैक जाएगा, मतलब 10 रुपए उस बंदे को जाएगा। अगर मैंने 5 लोगों को फर्स्ट लेवल पर ज्वाइन करवाया है तो 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए की टोटल लर्निंग हुई, और मेरा जो 25 बनेगा वो 1.25 रुपए बनेगा। शायद हंसी आ रही होगी 1.25 रुपए सुन के, लेकिन यही 1.25 रुपए आगे चल के करोड़ों में कन्वर्ट कैसे होगा आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। सेकेंड लेवल पे अगर 500 रुपए की खरीदारी चल रही है और वो 5 लोगों ने अपने 5 को प्रमोट करा, 25 लोग हुए, 25 लोगों ने अगर ये 2% 10 रुपए के हिसाब से करे तो 250 रुपए टोटल अर्निंग होगी, और मेरा फिगर आएगा 6.25 रुपए। यही फिगर 10 लेवल में आप कैलकुलेशन जाके आप करोगे 2,44,01,606 रुपए सर अर्निंग होगी। और अगर इसका 10% भी अगर मैं निकाल लू ना सर तो 2,44,000 रुपए पर मंथ में कमा सकता हूँ सिर्फ शॉपिंग से। तो सर नेटवर्क बनाना है और कुछ नहीं करना, ये सब ऑटोमेटिक अपने आप होगा, यूजर अपने आप क्रिएट करता है सारी चीज, अपने आप शॉपिंग अपने अकॉर्डिंग करता है, जहां उसको फायदा दिखता है वो वहीं से खरीदारी करना स्टार्ट करना करता है। नेटवर्क हमें सिर्फ बिल्ड करना है यहाँ पे। ऑटो बाय सेक्शन है, ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट है, एक अजूबा है MLM इंडस्ट्री में, ऑलरेडी हम सब लोगों ने कंपनी ने काम किया है। एक बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लेफ्ट और राइट हमको मेंटेन करना पड़ता है, अगर वो मैचिंग नहीं होगा तो हमें इनकम नहीं आता है। अगर 1 लाख हमारी भाग गई और 1 लाख में काम नहीं हो रहा तो हमें इनकम नहीं आनी, लेकिन ये मैं पहली कंपनी देख रहा हूँ जो ऑटो बाइनरी में सिंगल लेग पे भी हमें यहाँ पे पैसे दे दी। कैसे, मान लीजिए ये ए और बी है, ए पे
आपके ए बंदे ने यहाँ पे टीम बनाई और बी बंदे ने यहाँ पे टीम बनाई, ठीक है, ये आपकी बी टीम है और ये आपकी ए टीम है। बी टीम ने बिल्कुल भी काम नहीं करा, ए टीम में एक बंदे ने 25,000 का बिजनेस करा और उसी ए टीम में एक बंदे ने 30,000 का बिजनेस दिया। कंपनी ऑटो सिंगल लेग है कि उसे ऑटोमेटिक बाइनरी में कन्वर्ट कर देगी और आपको कमीशन चलाएगा। ये फर्स्ट कंपनी ऐसी है जो फर्स्ट लेवल की फर्स्ट बाइनरी पे आपको पैसा दे रही है, हमें सेकंड लेवल मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं। जो बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट और राइट दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे लिए। मर्चेंट रॉयल्टी सर, जिस तरह से आज हम अपनी दुकानों पे पेटीएम ऐप के थ्रू, गूगल ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो आप एक मर्चेंट भी आप बना सकते हैं जो कि बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से हम कर सकते हैं। दुकानों पे मर्चेंट बना के लोगों को, ग्राहकों को, छोटी छोटी दुकानों को, चाहे वो खाने से लेके हो, चाहे शॉपिंग से लेके हो, अगर हम उन्हें मर्चेंट बनाए तो वहां से भी अच्छा अर्निंग यहाँ से मर्चेंट से दुकानों से कर सकते हैं हम। यहाँ पे 10% है मर्चेंट ऑफर डिवाइडेड पांच टाइम में, यहाँ पे पार्ट पांच पार्ट में बढ़ जाता है पैसा। पहले कस्टमर को जाता है 7.5% बढ़ जाता है, 1% जो रिफर करता है उनको पैसा बढ़ जाता है, 0.5% जो कस्टमर का अपलाइन होता है उनको बढ़ जाता है, और आपको 0.5% जो जिस अपलाइन के थ्रू रिफर हुआ था उनको बढ़ जाता है, और 0.5% कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये भी पार्ट है, अगर हम मर्चेंट बनाए तो मर्चेंट बनाने से हम पैसा कमा सकते हैं, तो बहुत बड़ा अर्निंग पार्ट है। अगर हम ढंग से इसको समझे कॉन्सेप्ट को तो बहुत बड़ा अर्निंग पार्ट है सर। ये कुछ इवेंट्स हुए हैं। अब फ्यूचर प्लानिंग सर क्या है, आपके मोबाइल में बहुत से क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है कंपनी के, तो कंपनी एक अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड स्टार्ट कर रही है, प्रीपेड डेबिट कार्ड है यहाँ पे, जिसमें हमें 0.5% कैशबैक आएगा यूज करने का। अगर हम अपना कोई भी पैसा इसमें ऐड करें या जो भी हम कमा के इसमें जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका हमें अलग से बेनिफिट आएगा। अब दोस्तों आप ये चीज सोचिए, जब ऑलरेडी टीम जनरेट हो रही है, जब जब वो इन सब चीजों को यूज करेगी तो कितना बड़ा पैसा टर्नओवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक विजन के विजन देखिए सर, विजन देखिए, अभी मत सोचिए कि क्या अभी क्या चल रहा है, विजन एक देखिए। अगर विजन के साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ा एम्पायर एक साल या दो साल में हम कमा सकते हैं पैसा इनके थ्रू। एक उस नेक्स्ट मनी के इवेंट थे, जो इवेंट है मैं आपके सामने पिक देख रहे हैं आप एजुकेशन को लेके, ये आपके एफिलिएटेड हमारे हैं, सारी स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये ट्रेनिंग पार्ट से सेमिनार होता है उनका, हमारे पास पिक है स्क्रीन में शो कर रहे हैं यहाँ पे, कि चंद हजार रुपयों के लिए हम ओवर टाइम करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन पार्ट टाइम देकर लाखों रुपए कमाने जब बात कोई समझाता है तो समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है भगवान जाने, लेकिन समझना चाहिए कि क्या किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है हम लोगों को, हम उसी में कंफ्यूज है। जॉब में हम लोग कन्वर्ट समझते जस्ट ओबे योर बॉस, लेकिन कभी भी अच्छा क्यों नहीं सोच पाते हैं, उसे हटना चाहिए उन चीजों से। हम बड़ा चीज कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिलीव करिए अपने ऊपर, हम सारी चीजें कर सकते हैं, इंसान ही सारी चीजें कर रहा है यहाँ पे। दुनिया में आज अधिकतर लोग अपनी नौकरी से परेशान है, दुनिया में आज अधिकतर लोग अपनी लोगों को अपनी सेवा के मुताबिक पैसा नहीं मिलता है, दुनिया में आज अधिकतर लोगों को अत्यधिक आमदनी की आवश्यकता है, वो पार्ट टाइम हर जगह काम कर रहा है क्योंकि पैसे की नीड है, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है मार्केट में, इतनी जरूरतें बढ़ चुकी है एजुकेशन को लेके, पैसा चाहिए है चाहिए, वो ओवर टाइम हर जगह कर रहा है यहाँ पे। यदि आपके पास ऑप्शंस है तो सर वेल एंड गुड, अगर ऑप्शंस नहीं है तो मैं आपसे बोलूंगा सर ज्वाइन नेक्स्ट मनी, स्टार्ट कीजिए इसको अच्छे लेवल पे और अपनी हम समस्याओं को यहाँ से दूर कर सकते हैं। एक पहल है, इस पे काम करके हम सारी चीजों को कर सकते हैं। सर एक टाइम लिवरेज का फॉर्मूला है, मान लीजिए मैं 10 घंटे अगर जॉब कर रहा हूँ, 6 दिन में अगर काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे 60 घंटे काम करूंगा एक हफ्ते में, और एक साल में 52 वीक होते हैं, मैं 50 का फिगर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 50 × 60 मैं पूरे एक साल में 3000 घंटे काम करता हूँ, 3000 घंटे। और अगर मैं 40 साल तक अगर जॉब करूँ तो 40 साल मल्टीप्लाई 3000 तो मेरा घंटे निकल के आता है 1,20,000 घंटे, जो मैंने अपनी पूरी उम्र में काम करा और मेरी उम्र हो गई 60 साल हो गई। मैंने क्या अर्निंग करी क्या नहीं करी आप खुद अवेयर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टीम जनरेट करूँ दोस्तों, और सिर्फ 2000 की टीम की मैं अगर कैलकुलेशन की आपसे बात करूँ यहाँ पे, सिर्फ वो कुछ भी ना करे, अपने लिए एक घंटा रोज अपने लिए काम करे और 60 दिन तक काम करे, तो ऑलरेडी आपके लिए 1020 घंटे काम, 1,20,000 घंटे काम हो सकते हैं। उसी घंटे को काम करने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी को खपा दिया। और यहाँ पे अगर हम टीम बनाने में अगर काम करते हैं, अगर 5 साल भी अगर मुझे लग रहा है 2000 की टीम बनाने पे, तो शायद मैं जो 60 साल में मैं काम कर रहा हूँ, मैं 60 दिन में वो काम करके पैसा कमा सकता हूँ, अच्छा खासा लाइफ को जी सकता हूँ। तो नेटवर्क बिल्ड करना है, नेटवर्क की पावर को समझिए। सर स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, अरे सैलरी तुम क्यों नहीं बोलो, यहाँ पे तीन दोस्त हैं,
कमरे का किराया, पेट्रोल और महंगाई, ये तीन दोस्त है सर। एक सज्जन बोल रहे हैं सैलरी तुम क्यों नहीं बढ़ो, तुम्हारे दोस्त बढ़ चुके हैं। तो सर आपको मालूम है कमरे का किराया बढ़ ही रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सैलरी क्या बढ़ती है किसी की? नहीं। तो सर यही है, तो समय के बदलाव हमें करना जरूरी है अपने काम को लेकर, नहीं तो हम ऐसा ही रह जाएंगे और आगे ग्रोथ कभी नहीं कर पाएंगे लाइफ में, कोसते रह जाएंगे काश 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 काश, ये बंद करिए, काम करिए। यदि आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो आईने में अपने आप को जरूर देखिए, वो इंसान आप ही हैं। तो आप अपनी जिंदगी खुद बदल सकते हैं, लोग माध्यम होंगे, लेकिन जिंदगी बदलने के कदम आप बढ़ाइए। जब तक आप नहीं चलेंगे कुछ भी नहीं होना है, लोग बताते रह जाएंगे। जब तक आप डिसीजन अपना नहीं लेंगे कि मुझे करना क्यों है, क्यों क्यों क्यों, ये क्लियर जिसका नहीं होगा वो वहीं पे बैठा रहेगा, वो कंफ्यूज रहेगा पूरी लाइफ तक, और लाइफ कब गुजर जाएगी, कब मर के चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, फिर भगवान को जाके कोशेंगे कि क्यों ऐसी जिंदगी मुझे दी। चलो सर शुरुआत कैसे करनी, करना क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, 1700 अपग्रेड करिए, अपग्रेड करने के बाद करना क्या है, 7 कार्य प्रतिदिन यहाँ पे हमें करना है। एप्लीकेशन का प्रयोग करिए यहाँ पे, नेक्स्ट मनी को शेयर करिए सर, शेयर करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, फेसबुक व्हाट्सएप है, आप जूम एप्लीकेशन के थ्रू लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। आप लिस्ट बनाइए, आमंत्रित करिए सर आपका टीम में, प्लान दिखाना है हमें, प्लान कैसे दिखाना है, घर घर जाके प्लान दिखाने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, जूम एप्लीकेशन बेस्ट एक मेथड है टीम को बिल्ड करने के लिए, टीम के साथ काम करिए और फॉलोअप जरूर लीजिए क्या लोगों का रुझान है इन चीजों को लेके। और नेक्स्ट मनी बिजनेस में सफल होने के 3 सुझाव है, बिना ट्रेनिंग का इसका प्लान मत दें, जैसे कि हर्ष जी ने बोला है और ग्रुप में 11 वीडियोस डाले गए हैं सर, वो वीडियोस ये बताते हैं कि नेक्स्ट मनी प्लान है क्या, हर ऑप्शन क्या क्या कहता है, सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहां पे, हमें वीडियो जरूर देखिए एक बार, उसके बाद लोगों को उसकी सूचना दीजिए, उसके बारे में बताइए, क्योंकि जब क्रॉस क्वेश्चन होता है तो हम उसका आंसर नहीं दे पाते, वो रीजन यही है कि हम लोग वीडियोस प्रॉपर नहीं देखते और तुरंत एक्शन पे काम में जुड़ जाते हैं। जब तक लर्निंग नहीं होगी तो अर्निंग नहीं होनी है दोस्तों, इसको समझिए। उनसे सलाह मत लीजिए जिन्होंने बिजनेस प्लान नहीं देखा, उनसे सलाह बिल्कुल मत लीजिए और अपना समय खराब मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते कुछ और भी मैं आपसे बात करूंगा। एक स्क्रीन पे मैं एक आपसे डील करता हूँ, एक 30 दिन का मैं आपसे डील करने जा रहा हूँ, तो सब रेडी रहिएगा। मैं यहाँ पे आपको सब लोगों को 10,000 रुपए दूंगा पर डे, ठीक है जी, 30 दिन का कैलकुलेशन है, मैं आपको 10,000 रुपए पर डे दूंगा। इसके बदले आप सब लोगों को मुझे 1 पैसा देना है, वो भी मुझे बढ़ते हुए क्रम में देना है, चाहे मुझे स्टैम्प पेपर पे लिखा लो, जिस पे लिखाना है मुझे लिखा लो, मैं अपना घर गिरवी तक रख दूंगा, आप मुझसे डील करिए ये। चलो सर मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या कैलकुलेशन है, अगर मैं आपको 10,000 रुपए पर डे दे रहा हूँ और आप मुझे 1 पैसा दे रहे हैं, वो भी बढ़ते हुए क्रम में आप देंगे, ये मेरी आपसे डील है। चलो सर कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो सर ये पहला दिन है, पहले दिन मैंने आपको 10,000 रुपए दिया, आपने मुझे कितना दिया सर, 1 पैसा दिया। दूसरे दिन मैंने आपको सर 10,000 रुपए दिया, आपने मुझे कितना दिया सर, 2 पैसा दिया। तीसरे दिन सर मैंने आपको 10,000 रुपए दिया, आपने मुझे कितना दिया सर, 4 पैसा दिया। चौथे दिन मैंने आपको 10,000 रुपए दिया, चौथे दिन आपने मुझे 8 पैसा दिया। पांचवे दिन मैंने आपको 10,000 रुपए दिया और आपने मुझे कितना दिया, 1.60 रुपए, और मैंने आपको 50,000 रुपए दे दिए। चलो सर आगे कंटिन्यू करता हूँ। छठे दिन आपने मुझे मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने मुझे 3.20 रुपए दिया। सातवें दिन मैंने आपको 10,000 रुपए फिर से दिए, आपने मुझे कितना दिया, 6 रुपए दिया मुझे आपने। आठवें दिन मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने मुझे कितने दिए, 12 रुपए सिर्फ दिए। मैंने आपको नवे दिन 10,000 रुपए दिए, आपने मुझे कितने दिए, 24 रुपए मुझे दिए। दसवें दिन मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने मुझे 48 रुपए दिए। 10 दिन में मैंने 1,00,000 रुपए आपको दे दिया, मैंने लग रहा घाटे का सौदा आप लोगों से कर लिया है, मुझे आपने सिर्फ 48 रुपए दिए, मैंने आपको 10 दिन में 1,00,000 रुपए दे दिया। चलो सर मैंने आपसे डील करी है, तो फिलहाल डील मुझे पूरी करनी है, मैं पूरी करता हूँ। 11वें दिन मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने मुझे 96 रुपए दिए। 12वें दिन मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने मुझे 180 रुपए दिए। 13वें दिन मैंने आपको फिर से 10,000 रुपए दिए और फिर आपने मुझे 360 रुपए दिए। अगर मैं घाटे का सौदा आप लोगों से कर रहा हूँ, गलत मैंने डील कर ली शायद आप लोगों से। 14वें दिन आपने मुझे फिर से 10,000 रुपए दिए और आपने मुझे 720 रुपए दिए, इससे होता क्या है। 15वें दिन आपने मुझे फिर से 10,000 रुपए दिए हैं और फिर आपने मुझे 1,400 रुपए दिए हैं, मतलब
1.5 लाख रुपए मैंने दे दिया दोस्त आपको, और मुझे आपने दे क्या रहे हो 1400 रुपए। लगता मैं गलत डील करके बैठ गया हूँ आपसे। चलो कोई नहीं सर, डील तो डील है, करता हूँ। 16वें दिन मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने मुझे 2800 रुपए दिए। 17वें दिन मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, मैंने आपको 5600 रुपए आपने मुझे दिए सर, 5600। गलत डील कर लिए लग रहा है। 1,70,000 तो दे दिया, दिया कितना मुझे आप लोगों ने, 8-9 हज़ार के आसपास दिया। कोई बात नहीं, डील आके कंटिन्यू करता हूँ। 18वें दिन सर मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए, सर खेल पलटने वाला है इसका, आप मुझे दोगे सर 11,000 रुपए। कंटिन्यू सर, डील कटनी नहीं चाहिए अब। 19वें दिन सर मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मुझे 22,000 रुपए दोगे। 20वें दिन मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा सर, आप मुझे 40,000 रुपए दोगे सर। 21वें दिन सर मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा सर, मुझे आप 80,000 दोगे सर। 22वें दिन सर मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मुझे सर 1,60,000 रुपए दोगे सर। 23वें दिन सर मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा सर, आप मुझे 3 लाख रुपए दोगे सर। 24वें दिन मैं सर आपको 10,000 रुपए दूंगा सर, आप मुझे 6 लाख रुपए दोगे सर। 25वें दिन सर मैं आपको 10,000 दूंगा सर, आप मुझे 12 लाख रुपए दोगे सर। 26वें दिन सर मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मुझे 24 लाख रुपए दोगे सर। 27वें दिन सर मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मुझे सर 48 लाख रुपए दोगे सर। 28वें दिन आप मुझे 10,000 मैं आपको दूंगा, आप मुझे दोगे सर 96 लाख रुपीज दोगे सर। 29वें दिन मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मुझे सर 1,80,000 रुपए सर दे चुके होगे। और 30वें दिन मैं आपको 10,000 रुपए और दूंगा, और आप मुझे 3,60,00,000 रुपए दे चुके होगे। मैं आपको 30 दिन में दूंगा 3 लाख, और आप मुझे दोगे 5 लाख। सर डील डन है, रेडी रखिएगा पैसा। दोस्तों समझाने का मेरा रीजन ये था, हम छोटे से फिगर से जब स्टार्ट करते हैं, जब छोटी सी इनकम बनना स्टार्ट होती है, घबराने लगते हैं। अरे घबराइए मत दोस्त, जब कैलकुलेशन नीचे नीचे बढ़ता है ना, तो इनकम बूम करती है, बूम। तो इसको समझिए, ये कैलकुलेशन मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ। छोटे एक पैसे से मैंने स्टार्ट किया है, एक पैसे से मैंने फिगर स्टार्ट करा है, और 30 दिन का कैलकुलेशन है। आप मेरे साथ डील करना चाहो डील कर लो, जो भी स्टैम्प पेपर में लिखाना चाहो लिखवा लो, मैं आपसे डील करने के लिए रेडी हूँ। आप मुझसे करिए, 30 दिन में आपको मैं फिगर दिखाऊंगा क्या फिगर आपके सामने रखा है। ये है मल्टीपल पावर, मल्टीप्लिकेशन की पावर है, इसको ध्यान से देखिए, और नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच, ये है मल्टीपल की पावर। थैंक यू सो मच, बहुत 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 जबरदस्त प्रेजेंटेशन अजय जी, बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ प्रेजेंटेशन आज तक का। रियली सैल्यूट है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल।